हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे पशु गाय या भैंस में ब्रुसेलोसिस बीमारी के बारे में, जिसके तहत जो है हमारा पशु समय से पहले ही जो है अपना गर्भ गिरा देता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का धन्यवाद कि आप चैनल को इतना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और यदि आप चैनल पर आज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएँ ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे पशुओं में, गाय भैंस में ब्रुसेलोसिस बीमारी के हम लक्षण कैसे पहचानें, उनका बचाव कैसे करें, उपचार कैसे करें, उनके लिए वैक्सीनेशन कैसे अपनाएं, उनके लिए सावधानी हम कौन कौन सी बरतें। तो इसके लिए हम पहले बात करेंगे लक्षण के बारे में। तो इसमें हमने मेनली दो तरह के जो लक्षण हो देखने को मिलते हैं कि नंबर एक, हमारे पशु में बगैर किसी वजह के जो है घुटनों में काफ़ी हद तक जो हमें सूजन देखने को मिलता है, या नंबर दो, हमारा पशु डिलीवरी के समय से पहले ही जो है वो गर्भपात कर देता है, या फिर उसकी योनि से जो है वो गंदा जो या फिर बदबूदार जो डिस्चार्ज हुआ आना शुरू हो जाता है, और डिलीवरी के टाइम जो पहचान होती है वो सारी पहचान जो है हमें देखने को मिलती है। तो मोस्टली ये जो पहचान है वो 5 से 8 महीने के दौरान हमें देखने को मिलती है। हमारा पशु 5 से 8 महीने के दौरान जो अपना गर्भ गिरा देता है, लेकिन स्पेशल किसी केस में इससे पहले या फिर इससे बाद में भी जो है वो बच्चा गिरा सकता है। तो हम इसके लिए उपचार कैसे करें? तो इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने पशु का जो है ब्लड टेस्ट आपने इसके लिए करवाना होगा। और इसके तरीके के बारे में बात करें तो इसमें आपने स्टेराइड यानी कि एक न्यू जो सीरिंज होती है वो आपने लेनी है, 20 ml की आपने सीरिंज लेनी है। उसमें आपने अपने पशु के वेंस यानी कि नस या नाड़ी से आपने जो है वो ब्लड लेना है 10 से 15 ml। और उसके बाद जो फिर आपने उस सीरिंज को 30 से 60 डिग्री एंगल पर आपने रखना है, जिसके तहत आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट में ही जो ब्लड है वो जम जाता है। तो आपने इस सिरिंज को यानी कि जमे हुए ब्लड को आपने अपने नज़दीकी जो है टेस्ट लेबोरेटरी में आपने ले जाना है और इसका टेस्ट कराना है। और इस टेस्ट के आधार पर आप अपने नज़दीकी जो पशु चिकित्सक है उससे आप इसका इलाज करवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम इसके उपचार के बारे में बात करें कि जनरली हम उस केस में देखते हैं कि हमारा पशु जो गर्भ गिरा देता है, या फिर ऐसी पहचान हमें देखने को मिलती है कि हमारा पशु जो है वो गर्भ गिराने के लिए जो है पहचान होती है, वो शारीरिक पहचान दिखा देता है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमारा पशु जब भी वो गर्भ गिराता है तो उसका जो डाला गया डिस्चार्ज है, या फिर जो जीवित या फिर मृत अवस्था में जो बच्चा है उसको हमने शुरुआत में जो है नंगे हाथों से जो है नहीं छूना है, क्योंकि ये जो बीमारी है फैलने वाली बीमारी है। इस प्रकार का कोई भी वो पशु यदि डिस्चार्ज करता है तो आप उसको दूर ले जाकर जो है गहरे गड्ढे में आप उसको ज़रूर दबाएँ, क्योंकि ताकि हमारे जो अन्य पशु हैं उस रोग से ग्रसित न हों। ये आपको इससे संबंधित जो हो न्यूज़ भी काफ़ी देखने को मिली होंगी कि काफ़ी हद तक जो पशु चिकित्सक हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है फैलने वाली बीमारी है पशुओं में तो बहुत ही जल्दी फैलती है, क्योंकि पशु एक दूसरे को सूंघते हैं, चाटते हैं, ये नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन सूंघने चाटने से ये जो बीमारी है, जो बैक्टीरिया है, वो एक पशु से दूसरे पशु में ट्रांसफ़र होता रहता है। तो यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित है या फिर आपके रिपोर्ट के अनुसार आप इसमें पॉजिटिव देखते हैं तो उसके बाद आपने अपने पशु को अन्य पशुओं से उसको अलग इसको कर देना है। या फिर आपकी जानकारी में ऐसा आ जाता है कि उस चारागाह में जो पशु चरते हैं वहाँ एक दो केस आपको ब्रुसेलोसिस बीमारी से ग्रसित आपको देखने को मिल जाते हैं, या फिर कोई ऐसी गंदी जगह है यानी कि ऐसा कोई गंदा स्थान है जहाँ पर पशु जो है चरने के लिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो यदि आपकी जानकारी में ऐसा कोई स्थान आ जाता है तो ऐसे स्थान पर आपने अपने पशु को ले जाने से भी बचना पड़ेगा। अब यदि हम इसके उपचार में एक दो दो बातें रह गई हैं वो भी मैं यहाँ बताना चाहूँ कि यदि आपका पशु जो है वो डिलीवरी के नज़दीक जो टाइम है उस टाइम के दौरान जो है वो गर्भ गिराता है, बच्चा गिराता है, वो चाहे जीवित हो या फिर मृत हो, तो इस हालात में आप अपने पशु को जो है दूध पर भी ला सकते हैं। उसके लिए आपने अपने पशु को जो है निरंतर जो है लैप्टाडिन की जो टैबलेट हो दिन में 2 बार आप 1 मंथ से 2 मंथ तक आप लगातार खिलाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो आपका पशु है अच्छे दूध पर भी आ जाता है। तो इस बात का भी आप इस पर ध्यान रखें। अब यदि वैक्सीनेशन के बारे में बात करें तो जब आपका पशु एक हेल्दी जो है काफ को जन्म देता है और जब काफ की एज 4 से 8 मंथ तक हो यानी कि एवरेज में 6 मंथ हो, तब आप इसकी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने नज़दीकी जो डॉक्टर है उसके पास खुद जाएं, स्वयं जाएं और इसके लिए आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं ताकि आगे चलकर आपको इस प्रकार की जो समस्या है आपको देखने को न मिले। तो आज की वीडियो में हमने ब्रुसेलोसिस बीमारी के ऊपर बात की कि उसके हम कैसे लक्षण पहचान करें, कैसे उसका उपचार करें, या फिर किस प्रकार की जो है सावधानियाँ हम बरतें। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपने इसको पसंद किया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।